हाय फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सेल पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकाट अपार्टस के बारे में। तो बीकाट अपार्टस से सीमेंट का टेस्ट किया जाता है, इसे कंसिस्टेंसी, इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम ज्ञात किया जाता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, 0 से 40 mm तक इंडिकेटर होता है और इसके ऊपर यहाँ पर जो है रिलीज्ड पिन होता है। इसको निकालने के बाद ये जो है नीचे चला जाता है। अब यहाँ पे एक क्लैंपिंग स्क्रू होता है, इसमें प्लंजर या नीडल लगा के इसको टाइट कर दिया जाता है। इसके नीचे यहाँ पे मोल्ड है, इसका जो डाया होता है वो 70 ± 5 mm होता है टॉप का, और जो बॉटम का होता है, बॉटम का जो डाया होता है वो 80 ± 5 mm होता है। और इसका जो हाइट होता है, हाइट जो होता है वो 40 mm होता है। और इसके नीचे भी जो एक नान पोरस प्लेट लगा हुआ, इसका थिकनेस है वो 2.5 mm से बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब इसके प्लंजर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लंजर, इसे कंसिस्टेंसी चेक किया जाता है। इसका डाया जो होता है 10 mm होता है और जो हाइट होता है इसका 50 mm होता है। इसको इसमें लगा के कस देते हैं। सीमेंट का जो है कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। और ये नीडल जो होता है, इस नीडल से जो है इनिशियल सेटिंग टाइम चेक करते हैं। इसका जो डाया होता है 1 mm होता है और जो लेंथ है इसका वो 50 mm है। और एक यहाँ पे नीडल है, इसका जो डाया 5 mm होता है और जो इसका लेंथ होता है वो 30 mm होता है। इससे फाइनल सेटिंग टाइम चेक करते हैं। और कब पता चलता है कि फाइनल हो गया है? जब इसको वहाँ पे फ्री फॉल कराएंगे, तो फ्री फॉल कराते वक्त इसमें जो 5 mm है, तो जब सिर्फ 1 mm का, सिर्फ 1 mm का ही जब यहाँ पे मार्क बनेगा तो मान लेंगे कि फाइनल आ गया। जैसे यहाँ पे जो है 5 mm का जो है दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, इसके बाद यहाँ पे देखने पे अब नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे जहाँ पे नहीं दिखेगा वही हमारा हो जाएगा फाइनल सेटिंग टाइम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसका जो डाया है, वो ऊपर 70 है और जो नीचे का बॉटम का डाया है वो 80 mm है, और आईएस कोड में भी यही दिया हुआ है कि बॉटम का 80 mm ± 5 mm है और टॉप का जो है 70 mm ± 5 mm है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।